तो हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज मैं बहुत दिनों बाद ऐसी वाली वीडियो बना रहा हूँ जूबा की, वो भी क्योंकि मैं लाइव ही कर रहा था। और गाइज, देखो लाइव वगैरह में क्या है ना, डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी सी, मतलब पोकेमॉन के टूर्नामेंट की वजह से। बट टेंशन मत लो, क्योंकि लाइव तो मैं करूँगा ही करूँगा। एक आध दो दिन अगर मैं नहीं भी करूँ तो अलग बात है, क्योंकि पोकेमॉन के टूर्नामेंट की टाइमिंग ऐसी होती है 6 बजे से। तो मैं लाइव कब से करता हूँ, 5 से 6 ऐसा कुछ करता हूँ, बट लाइव मैं जल्दी करूँगा। देखो शायद कल भी कर सकता हूँ, जब ये वाली वीडियो मैं डालूँगा तभी मैं शायद लाइव करूँगा, जूबा की करूँगा, पावलो से खेलेंगे गाइज। तो गाइज देखो, मेरे को ये वाला पावलो करेक्टर है जो कि शॉप में आप लोगों का आई गया होगा, 1700 रुपये का है ना, 1700 रुपये का, काफ़ी सस्ता दे रहे हैं इस बार, है ना, 1700 रुपये का। मैंने देखा भाई 1700 का वैल्यू x4 में, और मेरे को तो कहते कोई फ्री में मिला है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे को फ्री में मिल जाते हैं, क्योंकि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो यहाँ से मेरे को पावलो फ्री में मिल चुका है जो कि level 1 का है। तो आज वाली वीडियो में गाइस पावलो से खेलने वाले हैं, पावलो से खेलने वाले, मैं पावलो बोल रहा था। तो यहाँ से पावलो के बाद देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या क्या सीन है। वैसे आप में से देख ली होगी वीडियो, आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना पहले कि आपको पावलो कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताना। और ये वाला करेक्टर शायद League 3 के आसपास आपको मिल जाएगा, यहाँ तो देख लेता हूँ मैं एक और बार, League 3 है या फिर कौन सी लीग है इसको मिलने के लिए। मैंने तो देखा था तो ये League 3 में ही था, तो League 3 में जरा पीछे, अरे यार थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मेरे को पूरा। ओके यार, तो देखो ये अपना League 3 में ही है, तो आपको ये गोल्ड ग्रेड वगैरह कहीं से भी मिल सकता है। बट हाँ, जब तक अर्ली एसेस में जब तक नहीं मिलेगा, मतलब जब तक शॉप में रहेगा जब तक गोल्ड ग्रेड वगैरह में से नहीं मिलेगा। तो आपको अगर सेव अपनी गोल्ड ग्रेड वगैरह सेव करके रखनी है पावलो के लिए तो सेव कर लेना, क्योंकि अभी 10 दिन तक तो ये शॉप में ही रहने वाला है अर्ली एसेस पे। तो इसके बारे में बात करें तो गाइस इसकी एक्टिव एबिलिटी और पैसिव एबिलिटी और प्राइमल इंस्टिंक्ट इसके बारे में क्या है, प्राइमल इंस्टिंक्ट क्या है भाई, यहाँ इसकी प्राइमल इंस्टिंक्ट मेरे को पता नहीं है, मैं पता कर लूँगा क्या है इसकी प्राइमल इंस्टिंक्ट। तो गाइस देखो इसकी पैसिव है गैलोप गैलोप हॉप, और अच्छा आप गैलोप गैलोप हॉप समझ गया, हॉप से मतलब समझ गया ना, क्या आपने वीडियो देखी होगी जो ऊपर से उड़ जाता है, जैसे स्किपी है ना, स्किपी कूद जाता है दीवारों से, ऐसे ये कूद सकता है, इसकी पैसिव एबिलिटी है। और एक्टिव एबिलिटी ये है कि भाई अगर आप यूज़ करोगे तो मतलब थोड़ा जंप करेगा अपनी जगह से, अभी मैं खेल के दिखाऊंगा तो और पता चल जाएगा। प्राइमल इंस्टिंक्ट के बारे में अभी मेरे को पता नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में जब भी अगर मेरे को पता चलती है, ठीक है। और इसके वेपन्स वगैरह देखो, शॉटगन है अपनी, स्पीयर है और अपना बॉम्ब है, और स्पीयर इसका वैसे ही फेंकने वाला, शॉर्ट गन इसकी लंबी है 11-12 जैसी, और बॉम्ब इसका ढरकाने वाला है, बॉलिंग वाला है। तो हम लोग पहले से सोलो लाइट खेल लेते हैं, और सोलो लाइट वाली वर्जन चला तो हम सोलो लाइट खेलेंगे पावलो से बैटल एनीवे। मेरे को टोकन्स मिले हैं बट मैं ऐसे लेवल अप नहीं कर रहा, level 1 से ही खेलेंगे अपन, ठीक है। और गाइस कमेंट करना मत भूलना कि ये वाला करेक्टर कैसा लग रहा है, ठीक है, याद रखना। तो अपन लेजेंडरी गार्ड के पास चलते हैं सोलो लाइट वाले वर्जन में, सोलो लाइट वाला वर्जन अपना ये level 3 की। हेलो, देखो इसे ऐसे करता है जंप करा, ऐसे इसकी एक्टिव एबिलिटी है जंप करने वाली। बाकी और इसकी देखो पैसे अभी थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा, देखो पैसे भाई अपने आप तेज चल रहा है इसकी पैसे भाई। और एक गन की रेंज देखो ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 11 की थोड़ी ज़्यादा है, मैं पहले लूँगा। अरे हाँ, पेपर तो लेती नहीं है बंदूक, तो ये क्या कर रही है, पागल है भाई ये, सच्ची में पागल है। अब अगर मैं देखो इसके पास एक्टिविटी यूज़ करूँगा तो शायद पीछे ढक जाएगी, देखा, और मैं आगे चला जाऊँगा, मतलब पीछे खिसक जाएगी। मैं दोबारा से इसे मारता हूँ, और डैमेज भी मिलता है क्या इससे, ये भी देखना पड़ेगा मुझे। अरे रोक पेपर, मुझे देखना थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर। अरे भाई यार, हाँ इससे देख लेते हैं, लेदर निकाल दें, डैमेज भी मिलता है गाइस, बहुत कम मिलता है पर डैमेज, आपने देखा ही होगा लेदर निकालो कितना कम डैमेज मिला। और थोड़ा मैं आराम से, क्योंकि लेदर निकाली मेरे को मार सकता है, बच गया मैं बॉम्ब से। हाँ ये बचने, बॉम्ब से बचने को भाई आराम से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसे लेदर निकाल को मार दिया, मेरे को बॉम्ब दिया इसने, और दो अरे रुक, ऐसे देखो जंप कर जाता है, इसकी पैसिव एबिलिटी है। और जैसे आप देखो एक्टिव एबिलिटी यूज़ करके ऐसे भागने लगोगे ना, तब भी ऐसे भागने लगता है, तो आप जंप वंप कर सकते हो ऐसे। अरे रुको भाई, रुको 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 रुको, नहीं 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 मेरे साथ के, और ये लेवल अभी ये कौन आ गया, अभी ये भी पावलो है, हाँ पावलो है, पावलो है, पावलो है भाई वो भी। अबे अटक गया, अबे लेरी ने दोनों चीज ले ली मेरी, वही लेजेंडरी बॉम्ब नहीं ले रहा है ये लगता है, अबे तो इससे थोड़ी दूरी खेलूंगा, ये एक शॉट में मार देगा मेरे को ये। अरे रुको, मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दे अभी, ये क्या कर रहा है अभी यार, क्या पागल हो गया, ये घोड़ा बनना है इधर। मेरा लेजेंडरी बॉम्ब, मेरे दोनों हेल्थ किट गए गए, मैं दिखाने लग गया वीडियो में कि ऐसे करता है वैसे करता है, जब तक मेरी दोनों हेल्थ किट और दोनों लेजेंडरी बॉम्ब सब चुरा लिया। और यहाँ पे लेरी है जो कि झंडा झंडा खेल रहा है, अब इसने मुझसे अटैक भी छुड़ा दिया ना, तो मेरा झंडा झंडा खेल जाएगा अभी। निकल लो यहाँ से, भाग ले यहाँ से भाग, मेरे पास एक भी आइटम नहीं है, मरूंगा मैं, सोच रहा हूँ कि सर्वाइव होने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अरे इधर से वो आ रहा है लेवल 15 में, लेरी ये लेवल 15 का भाई, सब कहाँ से आ गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया, अच्छी यार लेवल 15 में टोकन वोकन सब मिल गए इसे, और लेवल 15 का कर लिया। मैं यहाँ पर level 1 से अटक रहा हूँ, कोई नहीं गाइस, लेवल 15 वाले बंदे को हम हरा तो नहीं सकते, वो भी level 1 से। तो ये मैच मेकिंग का गाइस, देखो इसमें गाइस मैच मेकिंग का इशू तो नहीं कह सकते इस वाले केस में, वैसे मैच मेकिंग का इस जूबा में तो है, बट इस वाले केस में नहीं कह सकते, क्योंकि वो वाला जो लेवल 15 का है वो भी अभी नया नया है, उसके पास भी यही 10-15 ट्रॉफीज होंगी, तो इतना तो आ सकता है, बन जाएगा इतना तो। यहाँ पर पावलो बहुत सारे लोगों ने खरीद वरीद लिया है क्या, 50 हाँ वैसे सस्ता मिल रहा है 1700 का, तो खरीद लिया हो क्या पता। तो यहाँ से लेजेंडरी गार्ड म्यूजियम में है, लेरी वही वाला है क्या झंडा दिखा रहा है जो पिछले वाले मैच में आया था, पहले मैं बंदू बंदूक लूँगा, उसके अंदर जो पावलो कितने लेवल का जरा उसकी नज़र डाल ली जाए इस पर। हेलो, कहाँ गया,
चला गया क्या ये वाले लेजन गार्ड को, मैं मारता हूँ। पावलो भाई अबे इसके अंदर ही तो उतरा था, ना इधर है ना उधर, तो भाग गया लगता है मुझे। चलो इसको मार लेते हैं। अबे ये अच्छा ये तो दूसरा लैरी है कोई। हेलो लैरी, मुझे मत मारना। अरे हाँ इसके इमोट तो दिखा दूँ मैं, लैरी तो नहीं है यहाँ पे। अरे लैरी है भाई, भाग लो। लैरी का भाई क्या निशाना चूका, बगल से ही चूका भाई लैरी का निशाना। अजीब है थोड़ा। तो यहाँ से इसकी इमोट दिखा देते हैं, मैंने एक बार इमोट नहीं दिखाई थी पिछले वाले गेम में। वो मेरे को यहाँ पे पावलो आया था, उसकी शक्ल देखनी है जरा वो कितने लेवल का है। तो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं और थोड़ा उछाल कूद कर लेते हैं। स्किपी और इसका कंपैरिजन करो भाई, स्किपी ज़्यादा कूदने में, देखो स्किपी का तो बात अलग है क्योंकि उसको तो कूदने के लिए बनाया गया है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं कूदने के लिए। ये तो कभी कभी कूदेगा वरना अटक के रह जाएगा। जैसे अभी मान लो ये ऐसे नॉर्मल चल रहा है, अभी ये भाग रहा है तो कूद सकता है, अभी भागते भागते में कूद सकता है। ये देखो कूदा। अगर आप कूदते रहोगे ना तो स्पीड में चलता रहेगा ये, अगर कूदते रहे आपने कंटिन्यू किया तो ऐसे कूदते रहोगे आप, लगातार कूदते रहोगे, अनलिमिटेड कूदते रहोगे। नहीं नहीं अनलिमिटेड नहीं, रुको देखो अनलिमिटेड कूद हो गए। देखो मैं दिखाता हूँ, अभी ये भाग रहा है तो यहाँ से कूदना चालू कर एक। हाँ कूदना चालू कर रहा है, नहीं कर रहा। मैंने अपने बीटा में खेला था तब तो कूद ही जा रहा था, कूद ही जा रहा था। एक और बार ट्राई मारेंगे जरा, अनलिमिटेड कूदता है मैंने देखा था, एक और बार ट्राई। नहीं कूद पा रहा है या फिर मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। एक मिनट पहले भगाओ उसे फुल स्पीड में। भाग रहा है भाग रहा है, जब तक भाग रहा है ना जब तक कूद सकता है ये। तो यहाँ से ऐसे भाग रहा है एक और बार, थोड़ा दूर से आएंगे। हाँ थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर से भाग के आएंगे तो कूद जाएगा। देख कूद रहा है कि नहीं आराम से, अब रुका तो नहीं है। हाँ अब मैं कूदता रहूँगा, ये बहुत सही है इसका भाई, मार देगा आराम से बंदों को। ये देखो कूद रहा है कि नहीं, मैं ये कह रहा था कि अनलिमिटेड है। हो ये देखो भाई ये पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, भाग यहाँ से, मारो इसे। अबे रुको दोस्त बना लूँगा मैं से, बटे क्या ही करूँ दोस्त बना के क्या करूँगा मैं से। यहाँ से थोड़ा निकल लो, इस सैली वैली भी इधर ही है, मेरे पास हेल्थ किट तो है। अरे कूद ना मरवाएगा ये, मैं मौली मार रही थी। ये ले लो, यहाँ से पेपर आ गई है। चल भाई चल कूद कूद। हाँ बस ये बहुत सही है यार, बचने बचाने के लिए बहुत सही है। पेपर से थोड़ा दूर, अपनी हेल्थ नहीं है, अपने वेपन्स भी थोड़े कमी हैं, मतलब कि अब कम तो नहीं है, पूरे हैं, अच्छे नहीं है बस कहने का मतलब। अटैक बचने के लिए बहुत सही है यार, बॉम्ब वगैरह पेपर वगैरह का अटैक तो ऐसे बच जा करेगा, ऐसे करके कूद जाया करेगा। मैं अभी मर जाऊँगा यहाँ से तो निकल लेना सही रहेगा। अरे भाई रुको, भगलो यहाँ से, भगलो भगलो भगलो, हेल्थ किट नहीं है क्या, हेल्थ किट कृपा कर दो। अरे बाबा हेल्थ किट की कृपा कर दो। यहाँ से पेपर देना है तो मेरे को मार देगी पेपर, मेरे को हेल्थ किट कहीं से चुपके से चुरानी पड़ी। ये भी मजे ले रही है भाई, पूरे मजे ले रही है पेपर यार, आइटम से खेल रही है मेरे साथ। तो गाइस देखो फाइनली अपन जीतने वाले हैं, ठीक है ये कमिटमेंट हो गई है। अगर लेवल 15 का आए तो कमिटमेंट नहीं हुई है, लेवल 15 का पावलो वावलो या कोई भी करेक्टर आया तो कमिटमेंट वहीं पे टूट जाएगी, बट अभी हमने कमिटमेंट कर लिया तो अपन जीत के रहेंगे। और लेजेंडरी कार्ड पर छापा मारते हैं पहले, लेजेंडरी पे अपन हाथ में हुआ तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। आ जाओ भाई लेजेंडरी कार्ड, ये कहाँ जाएगा। फिन है इधर, फिन है। इसकी डैमेज वैमेज तो गाइस देखो ठीक ठाक ही है, एचपी इसका नॉर्मल है मतलब, पर ये कहें करेक्टर ओवरऑल के बारे में बात करें तो इतना वो भी नहीं है। सांप है ना सांप, वो बहुत अच्छा है, सांप के कंपेरिजन में तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, सांप से आराम से मार देगा। और ओवरऑल भी इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है ये, ठीक ठाक है मतलब नॉर्मल कंडीशन में आता है, ठीक है। ओपी इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो आप लोग खरीदने का विचार बता रहे हो तो देख के ही खरीदना, क्योंकि इतना ज़्यादा ओपी तो नहीं है सांप। अगर आप खरीदना चाहें ना तो सांप वगैरह बहुत अच्छा है, सांप ये सब, सांप वास्तव में अच्छा है लिटरली, अभी तक जितने करेक्टर आए ना उनसे अच्छा है। यार आ तो इतने अच्छे नहीं है, हिप्पो भी ठीक ठाक है मतलब, हिप्पो ठीक है मतलब टक्कर ले लेता है वो बंदों की लड़ने में। तो यहाँ से हमें बॉम्ब मिला है, शॉटगन मिल जाती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट ये मिला है तो इसी से काम चला लेंगे। ये ले लो हेल्थ किट। और गाइस देखो वीडियो वगैरह आप शेयर कर दिया करो, पॉकीमोन के जितने भी है ना, पॉकीमोन जो भी देखते हैं वो भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि पॉकीमोन की बढ़ जाएगी, मज़ा आएगा पॉकीमोन वगैरह में। आगे अभी पॉकीमोन और ज़्यादा पॉकीमोन्स वगैरह आएंगे तो उसमें तो मज़ा आएगा एकदम तरीके से। और मैं टूर्नामेंट वगैरह में पार्टिसिपेट लेता रहता हूँ ना गाइस, इसीलिए मैं लाइव में यार दिक्कत हो गई, टाइम वगैरह उसका सेम हो गया। मैंने लाइव तो यार मैं हर रोज डेली करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो फिर मैं लाइव जल्दी करा करूँगा 4 बजे के आसपास से, बट वही है ना मेरा टाइम ही ऐसा है यार 4 बजे के आसपास से मैं नहीं कर पाऊँगा लाइव। अभी ये भी लेवल 1 का है तो ठीक है फिर। हेलो पावलो बाबा, यारा भी है यहाँ पे, यारा भी है। थोड़ा आराम से मेरे को हेल्थ किट का, मैं थोड़ा ध्यान भूल जाता हूँ, थोड़ा आराम से थोड़ा। चलो ये क्या, मैं हेल्थ किट का हमेशा ध्यान भूल जाता हूँ ना। अरे कांटा भी बिछा के गया था, मरते मरते कांटा बिछा के गया था। तो ये शॉटगन ले लो, इसकी रेंज देखते हैं शॉटगन की, ठीक ठाक है मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। जहाँ से इसको मारते हैं यारों की शॉटगन की रेंज थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा अपन को, पड़ा नहीं इसमें लड़ने। और भी लेवल 5 के बंदे यहाँ पर लड़ रहे हैं, एक और बक है यहाँ पे, बक को मार लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। और गाइस देखो लाइव स्ट्रीम में पावलो से खेलूँगा, आप लोगों के साथ खेलूँगा लेवल 1 का ही, फिर आप लोगों को ही बचाना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ से यारा और इन दोनों की तगड़ी वाली फाइट चल रही है, अपन भी थोड़ा सा साथ देने वाले हैं इनका। चलो ये भी गई, अभी यहाँ पे मैं मेरा हेल्थ किट ले लेता हूँ उससे पहले कि यारा मेरे पर अटैक वटैक करे। चलो बढ़िया, पीछे वालो पीछे वालो पीछे वालो, आ जा यारा आ जा आ जा। इसकी शॉटगन की रेंज बढ़ी है, पर इसमें मेरी शॉटगन की रेंज पड़ गई, मतलब मेरी शॉटगन पड़ गई, उसकी नहीं पड़ पाई रेंज होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं इसके पास, आ जा यार आ जा, जाएगी गाइस देखो शोडाउन चल रहा है अपना यारा के साथ। तो यहाँ से मारते हैं और
ऐसे कूदते हैं इसके ऊपर, और मेरे को हेल्थ किट भी बढ़ानी है। चलो गाइस, तो गाइस अपन ने 11 हार चुकी है और अपना पाओलो जीत चुका है लेवल 6 का। मैंने कहा था ना गाइस इस बार अपन जीतेंगे और जीत गए। तो गाइस आप लोगों को क्या करना पता है ना, कमेंट करनी है कि ये वाला पाओलो का रेट आपको कैसा लग रहा है देखने में, खेलने में अगर खेला हो तो बता देना। और आज वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो भी लाइक करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना गाइस जिससे कि अपना चैनल और ग्रो हो। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।